दोस्तों, अभी हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की एंट्री। इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है एवरी मंथ ऑफिस में, उसकी एक एंट्री करके देखेंगे हम लोग किसको किसमें क्रिएट करना है और उसकी एंट्री कैसे करनी है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी बिल रिसीव्ड ऑफ ₹12,500 इन मे 2023। तो इसकी करेंगे बिल बुकिंग की एंट्री, जो कि करेंगे जनरल वाउचर में, और फिर करेंगे पेमेंट की एंट्री, जो करेंगे पेमेंट वाउचर में। तो चलिए 12,500 रुपये का जो हमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल रिसीव किया है उसकी हम लोग एंट्री करना सीखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्रिएट कर लेते हैं इस बार। अभी हर बार हम लोग लेजर क्रिएट करते हैं वाउचर एंट्री में ही, डायरेक्ट हम लोग ऑल्ट सी करके क्रिएट करते हैं, बट अभी हम लोग यहाँ से गेटवे ऑफ टैली में बाहर से क्रिएट करके देखते हैं। हर तरीके से सीखते हैं दोस्तों, ताकि हम कोई भी सिचुएशन में काम कर सके। देखिए यहाँ पे आपको गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट में जाना है, फिर जाना है लेजर में, और हमें करने हैं दो लेजर क्रिएट, एक इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेएबल और एक इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो सबसे पहले मैं कर लेता हूँ इलेक्ट्रिक सिटी चार्जेस पेएबल ये हम लोग करेंगे अंडर प्रोविजन। प्रोविजन के अंडर में करेंगे इसको क्रिएट, जो कि होता है करंट लाइबिलिटीज में। उसके बाद हम लोग करेंगे कंट्रोल ए, तो ये एक्सेप्ट हो गया। दूसरा लेजर यहीं से हम लोग क्रिएट करते हैं, वो है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का। तो ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का लेजर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। ये होगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये आपको दिखता है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो दो लेजर क्रिएट कर लिए, अभी हम लोग एस्केप एस्केप करके बाहर आते हैं, और यहाँ से हम लोग करते हैं वी प्रेस, ये जो ट्रांजेक्शन के नीचे वी वाउचर के लिए, और यहाँ से हम लोग करते हैं F7। F7 किया, अब यहाँ पर हम लोग मे में ही एंट्री करते हैं। डेबिट में क्या आएगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ₹12,500, क्रेडिट में क्या आएगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेएबल। और यहाँ पर हमको नरेशन में लिख लेना है बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल बुक्ड फॉर मे 2023। देखिए दोस्तों, ये मैं 1 तारीख में इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज़ ये मेरा एजुकेशनल मोड वाला टैली है, ये मुझे 15 तारीख अलाउ नहीं करेगा। बिल जो होता है वो 10 से 15 तारीख के बीच में आता है, तो हो सकता है मैं यहाँ पर 1 ही तारीख या 2 तारीख में आपको एंट्रीज दिखेगी ये वाली मेरी। जो भी आपका ये पूरा कोर्स चल रहा है वो एजुकेशनल मोड पर चल रहा है, तो आपको जो भी एंट्रीज दिखेगी वो 1 या 2 या 30 तारीख में ही दिखेगी, बिकॉज इसके ज़्यादा इसमें अलाउ नहीं होता है डेट करना। तो आप प्लीज़ ये वाली सिचुएशन में थोड़ा सा मैनेज करिएगा। तो यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ। अभी इसका इफ़ेक्ट जो दिखेगा वो हम लोग देख लेते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेएबल है मेन हमको वो देखना है, तो बैलेंस शीट में आएंगे, हमने प्रोविजन में क्रिएट किया था वो हमको हमेशा दिखता है। करंट लाइबिलिटीज़ में यहाँ पे देखिए, करंट लाइबिलिटीज़ और प्रोविजन्स में ₹12,500 क्रेडिट में दिख रहे हैं। ये ₹12,500 यहाँ से हट जाने चाहिए बिकॉज़ ये कर्ज़ा है। तो जैसे बिल आया हमने बिल बुक कर दिया जर्नल वाउचर में, और अभी हम इसकी पेमेंट करेंगे, इसकी पेमेंट करेंगे तो यहाँ से ये ₹12,500 हट जाएंगे। तो अभी हमें करना क्या है, यहाँ से वी प्रेस करना है और यहाँ से FY कर देना है। FY किया तो यहाँ पे देखिए पेमेंट का वाउचर सिलेक्ट करेंगे हम लोग। पेमेंट का वाउचर सिलेक्ट किया और सेम डेट डे पे ही मैं एंट्री कर रहा हूँ। एक सेकेंड में कर देते हैं हम लोग, एक डेट आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेएबल, ये पहले क्रेडिट हुआ था इसलिए ये हमें बैलेंस शीट में भी लाइबिलिटीज़ में दिख रहा है क्रेडिट साइड में। तो अभी हम इसको डेबिट कर देंगे तो ये वहाँ से हट जाएगा। ये देखिए यहाँ पर भी ज़ीरो हो गया जैसे मैंने ₹12,500 डाले। क्रेडिट में क्या होगा, बैंक होगा, जो भी है चेक नंबर वगैरह, आप चेक से पेमेंट कर रहे हो कैसे कर रहे हो वो यहाँ पे आप डाल दीजिए, और यहाँ पर बैंक का नरेशन डाल दीजिए, और एंटर कर लिया। अभी हम लोग एक बार चलेंगे बैक, यहाँ से हम करते हैं बैलेंस शीट बी, बी के बाद हम जाते हैं करंट लाइबिलिटीज़ में। करंट लाइबिलिटीज़ में देखिए यहाँ पर प्रोविजन में कुछ भी नहीं है, खाली हो गया है। तो ये हमारा टैली हो गया। जब बिल आता है तब हमें बुक करके रख देना है, और उसके बाद जब हम पेमेंट करेंगे तो वो जो चीज़ हमने क्रेडिट की थी उसको डेबिट कर देंगे तो वो चला जाएगा। अभी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस जो है वो तो हमें दिखना ही चाहिए हमेशा, जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है पेएबल हमने टैली कर लिया, बट जो चार्जेस है वो हमें हमेशा दिखना चाहिए। वो कहाँ दिखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में खर्चे भी होते हैं,
तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा एवरी मंथ होता है, तो वो हमें दिखेगा प्रॉफिट एंड लॉस में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। यहाँ पर ये देखिए 12,500, ये हर महीने आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए ये हर महीने आपको लाइन से दिखता जाएगा, और पूरे साल का आपको यहाँ पे एवरी मंथ मंथ वाइज दिखेगा ये। तो ये आपको दिखेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। अभी हम लोग चलते हैं DAL करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेएबल का लेजर देखते हैं। ये देखिए ये है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेएबल का लेजर। 12,500 रुपये क्रेडिट थे, अभी हमने पैसा भर दिया तो ये टैली हो गया। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का लेजर देखेंगे तो आपको एक ही एंट्री दिखेगी। आप इसको समझिए, मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेएबल हमने यहाँ पर क्रेडिट इसलिए किया था ताकि हम उसको बाद में डेबिट कर सकें और वो आपका प्रोविज़न में से हट जाए। बिकॉज़ हम ये एंट्री पहले कर रहे हैं पेमेंट के, तो ये हमारा कर्जा है, ये हमें देना है। पेमेंट करने के बाद ये हमारा वहाँ से प्रोविज़न में से हट जाता है, इसके लिए इसको इस तरीके की एंट्री की है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 12,500 डेबिट में रहेगा हमेशा, ये खर्चा है, ये कंपनी है तो आपका खर्चा भी रहेगा ही और ये खर्चा आपको दिखना भी चाहिए। ये सिर्फ एडजस्ट करने के लिए किया गया था इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेएबल, इसको हमने किया था प्रोविजन्स में क्रिएट, क्योंकि हमें इसकी एंट्री इसकी पेमेंट करनी है। हम इसकी पेमेंट ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना 2 महीना रुका सकते हैं, 2 महीने से ज़्यादा करेंगे तो बिजली हमारी कट जाती है, तो पेमेंट तो आज नहीं तो कल होनी है। इसके लिए इसको इस तरीके से क्रिएट किया था कि ये जब आप पेमेंट करो तो ये क्रेडिट वाला हम डेबिट में डाल दें, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेएबल जो क्रेडिट था वो जब पेमेंट का टाइम आएगा तो हम यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पे देखिए फिर से आपको बैक जाके दिखाता हूँ, ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेएबल यहाँ पर क्रेडिट है, क्रेडिट में दिख रहा है, और जब हमने पेमेंट की तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेएबल को डेबिट किया, तो क्रेडिट के सामने डेबिट कर दिया तो मेरा प्रोविज़न भी हट गया करंट लाइबिलिटीज़ में से, और पेमेंट भी हो गई, और जो खर्चा था वो था इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्रिएट किया था, वो खर्चा मुझे अभी प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस साइड में दिख रहा है डेबिट साइड में। तो आई होप आपको इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का जो भी बेसिक फंडा होता है वो आपको समझ में आ गया।